सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? मस्त है? स्वस्थ है? काम में व्यस्त तो होंगे ही, और अभी हो गया मैं रेडी ड्यूटी जाने के लिए। तो अभी सबसे पहले जाना मुझे एक जगह, चिमनी देखना है। चिमनी देखना क्या, सर्विस वगैरह करना है शायद उनकी, तो उनको 9:30 बजे का टाइम दिया हूँ। तो अभी फटाफट पहले उनके पास चलता हूँ, देखता हूँ उनकी चिमनी कैसी है और क्या करना है उसमें। चलो फिर चलते हैं। और जाते जाते अभी गेट का बज गए हैं बेल, मुझे लग रहा है आ गए हैं मामू। देखते हैं। ए, जला देता हूँ लाइट। गाड़ी में ना पाइप वगैरह ही कल से ही बांधा हुआ था, मैंने खोला नहीं था, तो ये आ गए हैं शायद। कहाँ माली? गेट लगा दो गेट। इनका एक्चुअली क्या होता है कि नाइट में ड्यूटी करते हैं, तो नाइट में ड्यूटी करने के बाद सुबह आते हैं। हम ही लोग दो को रहते हैं पूरा कमरे में, बाकी ऐसी है सब। चलो फिर चलते हैं हम ड्यूटी के लिए। सो फ्रेंड, ये वाली चिमनी है, इसको सर्विस करने हैं, तो चलो अब सर्विस करके निकलते हैं फटाफट। सो फ्रेंड, वहाँ नॉर्मल सर्विस थे चिमनी का, हमने कर दिया उनको। मैंने पूछा कि मेजर वगैरह तो नहीं करवानी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेजर नहीं करवानी, नॉर्मल करवानी है। तो नॉर्मल मैंने कर दिया, फिलहाल निकल रहा हूँ ऑफिस की तरफ। तो फ्रेंड, अभी आ गया हूँ फिलहाल ऑफिस में, पेपर वगैरह सारा लेकर के। अब यहाँ से लूँगा काम, उसके बाद चलूँगा फिर। फाइनली फ्रेंड, अब निकल गया हूँ मैं ऑफिस से, और मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह, मुझे माइक्रोवेव देखना है। उसका देखना क्या पीसीबी लेकर के आना उनका, कुछ माइक्रोवेव में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिलहाल अभी चल रहा हूँ माइक्रोवेव के लिए। उसके बाद और भी आज बहुत सारा काम पड़ा होगा, मेरे पास कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आज काम निपटा दूँ, क्योंकि कल के लिए थोड़ा सा काम पड़ेगा। सो फ्रेंड, देख सकते हैं माइक्रोवेव है, और इसी की पीसीबी लेकर के मुझे जानी है। ये वाली पीसीबी है, और इसी में प्रॉब्लम आ रही है माइक्रोवेव में अभी कुछ है। मतलब कुछ हीटिंग वगैरह का शायद इशू है इसमें, तो ये मेरे पर्सनल कस्टमर है, तो मैं अभी पीसीबी को खोल के ले जाऊंगा, और एक मेरे फ्रेंड है मैं उसको दे दूँगा पीसीबी ठीक करने के लिए। चलो फिर ले कर निकलता हूँ। ये निकालने थे सिर्फ, ये मैंने निकाल लिया। सो फ्रेंड, अभी पता है क्या हुआ, एक चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं ये वाली रोड है, ठीक है, ये वाली सामने वाली रोड है, और ये भाई जो हमारा बगल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ना ये रेडी रेडी खड़ा करते हैं यहाँ पे। तो मैं, मेरा तो पड्डे का आना जाना है इधर का, मगर मैं इनके पास देख रहा था ना कि जल्दी कोई बंदे, मतलब दिखता नहीं था मुझे खाते हुए कुछ, मतलब इनका बिरयानी का, वेज बिरयानी है, वेज बिरयानी का दुकान है। तो मैं डेली सोचता था कि आज रुकूंगा बंदे पास, कल रुकूंगा, ऐसे मतलब सोचता था, मगर रुक नहीं पा रहा था। तो आज मेरा क्या हुआ ना कि आज भी मैं क्रॉस कर रहा था, मगर इनके पास कोई बंदा था नहीं, शायद कोई भी कस्टमर था नहीं। फिर मैं सोचा ना आज मैं रुकता हूँ, मेरा ना दिल नहीं माना। फिर आगे ये सामने ना रेड लाइट है यहाँ पे, और वहाँ से मैं गाड़ी यू टर्न करके आया और भाई के पास रुका। तो इनके बारे में फिर मैंने जानने लगा, क्या कितना बनाते हो, क्या करते हो। मैं बोला बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो ये बताए फिर कि अभी अभी 7-8 दिन हुए मेरे को लगाया हुआ, और मतलब निकल नहीं रहा है कुछ भी, मतलब ऐसे ही है बस। तो मेरा देखिए, वीडियो बनाने का ये मकसद है, मैं बता रहा हूँ कि कभी देखो भीड़ भाड़ इलाके में ना, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे सब लोग खाते हैं। तो मेरा जहाँ तक सोच है कि हम लोग कुछ ऐसे जगह रुके जहाँ पे बहुत कम लोग खा रहे हैं, या मतलब बेचारा अकेला, मतलब सब चीज़ समझना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि
लोग रुकते नहीं है, मतलब सोचते हैं कि चलो यहाँ कोई कस्टमर नहीं, अच्छा नहीं बनाता होगा, मगर थोड़ा सा अगर वही हम लोग उसके पास कुछ खा लेंगे या दो पैसे चला जाएगा उसके पास, तो वो भी खुश हो जाएगा बंदा। तो ये मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे भाई की दुकान, और देख सकते हो कि मैं बेचारा अकेला बैठा रहता है। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी ऐसा हो ना तो रुक के कुछ खा लिया जाए तो अच्छा लगता है वैसे। चलो फिर बाकी अपना काम करते हैं, कुछ निपटाते हैं काम बचा हुआ। सो फ्रेंड, फाइनली अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम पे, और चेहरा से पता चल रहा होगा कि मेरी क्या हालत हुई है आज। मतलब बहुत ज़्यादा ही भागा दौड़ी इधर उधर, बहुत जगह का आप लोगों को नहीं दिखाया क्लिप, क्योंकि टेंशन चल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको मैंने टाइम दे रखा था एक साथ ही, और मैं सोच रहा था जितना जल्दी जल्दी सारा काम निपटाए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लिप आप लोग को नहीं दिखा पाया, इसीलिए सॉरी। और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, अच्छा अगर लग रहा है तो। कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाऊँ, मगर एक्चुअली क्या होते हैं ना कि जब काम का टेंशन आते हैं ना तो फिर वीडियो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आगे ले लूँ आगे ले लूँ, उसके बाद आगे का पूरा ही आगे चला जाता है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ अब कि थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बनाऊँ और अच्छा बनाऊँ। ठीक है, ओके, बाय, गुड।